सारी कैसे शेप कर अम्मी सही था किचन में इतना दिन तेरे को वीडियो बनाने के लिए रखी है फिर भी तेरे को सीख नहीं मिला रे चला दे दी ऊपर से चुप से खा ले मेरा दिमाग खराब अरे जी पहली बार तेरे से खराब हो रहा है अरे मोटू ये घर में सब पे मोटू हो जाता है तो वही ना चुका और यहाँ नाच चालू है और यहाँ पे देखो ऊपर घर में कितना गंदा लगा हुआ है पूरा अच्छे नहीं सब तो कपड़ा में मारा था सबका भी रखा हुआ था सामान पर घर साफ चल रहा है अभी ईद का लेकर के ना टोपी ओ ये टोपी है और ये रहा सिम्बा ये रहा जैकी ये सब किचन ही में अड्डा मारता है अब मेरा व्लॉग भी किचन ही हमेशा शुरू होता है। Hey guys, what's up? Welcome back to another vlog. And आज मेरा व्लॉग असर के बाद से स्टार्ट हो रहा है बिकॉज आज ना असर तक मैं सिर्फ वीडियो एडिट किया उसके बाद मैंने वीडियो अपलोड किया बिकॉज कल ना सुबह कदर की रात थी तो मेरे को टाइम बिल्कुल नहीं मिला एडिट करने का तो मेरा वीडियो तो वैसे अपलोड हो चुका है तो चलते हैं अभी पहले नमाज पढ़ने के लिए असर की सो आज तो रेडी हो चुके हैं पहले चलते हैं असर की नमाज पढ़ लेते हैं उसके बाद सोचा जाएगा क्या करना पहले चलते हैं असर की नमाज सो आज तो आ चुके कच्ची मस्जिद के पास और कबरा का पूरा देखो अभी रिस्टोरेशन बोल सकते हैं या कंस्ट्रक्शन बोल सकते पूरा हो रहा है यहाँ पूरा रखा हुआ पत्थर और आए थे नमाज पढ़ने नमाज हो चुकी है यहाँ आने के बाद पक्की मस्जिद का वीडियो जरूर बनाते हैं ये रहा देखो तैयब का जबरदस्ती बुला के लेकर के आ जा रहे हैं हम मस्जिद और यहाँ देख यहाँ पर कबरा काम चल रहा है अभी चल इधर अंदर में रहेगा अल्लाह रसूल का नाम लेगा भाई कम से कम थोड़ा देर बैठ के हम तस्बीह कर लेगा बैठ के हम नमाज पढ़ लेंगे चल 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 अरफा अरफा मना नहीं कर सकता देख ये असली मुसलमान है चल भाई सो आज तो कर लेते हो वजू यहाँ बैठ जाता है बिस्मिल्लाह नमाज हो चुकी है चलते हैं यार बाहर तैयब लोग खड़ा होकर वेट कर रहे हैं यहाँ इफ्तारी देखो तैयब लोग चला गया धोखा हुआ मेरे साथ और तैयब बोला कि नीचे खड़ा के वेट कर रहे पर नीचे खड़ा के वेट नहीं कर रहा था देखो कहाँ खड़ा हुआ बोलो वहाँ बैठ कर खाना बाजार में सो खड़ा चुके हैं मोइन अभी काट रहा है फल हेल्प करें मोइन और जो बचा का सलाद बनाना है ना और सलाद ही बना दिया रे ए माशाल्लाह कसम से बोला सलाद बनाना होगा आते साथ सामान भी रखना शुरू यहाँ बैग नहीं सब कितना मोटा मोटा बैगन हो गया कसम से तो भैया प्याज नहीं बनेगा आज जा होगा ये क्या बन रहा है समोसा अंडा बॉइल हो रहा है इसमें तो अंडा चॉप बनेगा तब बहुत कुछ है जैकी अंडा खाएगा जैकी ये कुछ नहीं हो रहा देखो गर्दन ऊपर करना चाहिए ना जानवर तो ऊपर करता सर अल्लाह ये घर क्या गंदा करके रखे हुआ है भाई साफ सफाई बहुत डेंजर चल रहा है हेल्प करे भाई क्या करना बोलना सुबह तो आ चुका है मोइन लेकर के तारी मेरा सही है आराम से सोए हुए बट अकेला है मोइन हर काम कर दिया माशाल्लाह आज मोइन फहीम नहीं हेल्प किया ना फहीम तो वो घर साफ कर रहा है सुबह तो ये रहा मोइन भी आलू छील रहा अंडा छील रहा वाह सिम्बा ऊपर कहाँ चढ़ गया वो सो गया ऊपर जाके कहाँ ऊपर चढ़ के लेना अल्लाह देखिए अरे खुद से चढ़ा है क्या हुआ क्या हुआ ए देख रहे वॉल पूरा खराब है पूरा वॉल ठिकाना होगा ए अल्लाह नहीं आने मांग रहा है ये और ऊपर जाने मांग रहा देख ना पूरा आलू छील देंगे हाँ पूरा आलू छील इस तरह से माशाल्लाह खुद से कर रहा है हाथ से क्या कर रहा है हाथ कैसा होगा देसी खाना है देसी लोग खाता है सर हाथ से पुचका कैसे खा ले रहा है लोग तेरा हाथ और पुचका लगा हाथ कितना फर्क है ऐसे करता हूँ अभी
नमक दे ये बन रहा है कितना भर दिए इसमें मिर्चा ही दिख रहा है लग रहा है इसमें से बेचारी कैसे शेप मेरी अल्लाह अम्मी सही था किचन में इतना दिन तक वीडियो बनाने के लिए रखी है फिर भी तेरे को सीख नहीं मिला रे जला दे रही ऊपर से चुप से खा ले मेरा दिमाग खराब है पहली बार तुझे खराब हो रहा है इतना अच्छा सा खाना बनाती है फिर भी आज पता नहीं बनी नहीं आराम से लगा कि पूरा तोड़ देता भाई तेरा मगर यहाँ पर अंडा चल रही है नहीं हम देखना चाहते कैसे शेप बना रही है गीला कर दिया अल्लाह अंडा चौप भी नहीं बनाने अरे यहाँ मैदा मिलाना पड़े ना मैदा मिलाएगी सो ऐसे यहाँ बैठ गए हम लोग अभी हमने सिर्फ बैठे वैसे तो मोहिन आ रहा है अम्मी लोग को बोल दे वैसे टाइम हो गया ठीक सो ऐसा जान हो रही है अभी आइए ना अम्मी उन लोगों को बुलाइए ना ये रखा सो खाना शुरू करते हैं मर दो खाना शुरू कर दिया पर आज कोई नहीं है सब काम में बिजी है सबका सब अच्छा नहीं लग रहा अब धीरे धीरे करके सवाना शुरू हुआ मेरे मेरी अम्मी मेरा मोहिन मेरा पानी अब आया है फहीम अब जो है ना अब जो बचा हुआ था पूरा खत्म होगा ऐसा सिर्फ तेल में छानी है सिर्फ तेल है कितना तेल है इसमें रात का 9 बजने वाला है अभी तक काम नहीं हुआ है पूरा काम नहीं हुआ अल्लाह भाई मैं चाहता था पहुंचा दे इतना सारा भी कचरा निकला है कपड़ा उपड़ा जो पहनता नहीं वो सब सुबह सिम्बा सुबह चलते हैं तरावी की नमाज पढ़ने के लिए टाइम हो चुका है बदन धोने के बाद तरावी की नमाज बहुत अच्छा से होता है नींद भी नहीं आता है और फ्रेश फ्रेश फील होता है और जा काम आ गया सिम्बा अभी यहाँ पे कपड़ा पूरा साफ अभी तक हो रहा है रात का 9 बज चुका है पर कपड़ा साफ हो रहा है सिम्बा किधर गया अरे भाई यहाँ छुपा हुआ है देखो ये रहा सिम्बा कितना छुपता है मोबाइल भाई और ये रहा मेरे जो अब मेरे लिए लेकर आया इस टाइप का बैग मेरे को बहुत ज़्यादा जरूरी था बिकॉज मेरे को ना पावर बैंक ले आने में बहुत दिक्कत होता था ये रहा और ये रहा लेदर बेल्ट जो कि सच में बहुत ही मस्त बेल्ट यार मतलब क्या बोले प्योर लेदर है इसका ना ये बक्कल जो है ना ये भी बहुत अच्छा है खाना खाने कितना साफ से खाए सो गाइस सही कराए मुझे सुबह चलते हैं सही करने के लिए और आज सही में ना सही है मुरब्बा मेरे को मिला मुरब्बा खाने जा रहे हैं ये रहा दूध और खजूर सिम्बा तो सिम्बा को भूख लगा हुआ है ना ये खुद से ढक्कन खोलने खा रहा है ये ढक्कन को गिरा दिया खुला हुआ था वैसे वो ढक्कन सिर्फ रखा हुआ था उसके ऊपर से और ये खाना शुरू कर दिया है इतना लेट से गाय खा लिया था इतना लेट से गाय के लिए खाता है आज हो गया। गया। चलते हैं फजर की नमाज पढ़ने नमाज हो चुकी है और पांच को दस होता वो भी हो चुका है अब चलते हैं डायरेक्ट घर चलते हैं घर जब लुंगी पहन के रहेंगे ना तभी दिख जाएगा अबे तेरे जब कॉल करते थे पैंट में ना कभी आता नहीं है सो गाइस हम लोग प्रैंक कर भाई आना भाई अबे नहीं है भाई तू आ भाग दे तेरे भाई के प्रैंक तेरा गलती है तेरे गलती का मैक्स हटा दिया तो वीडियो स्टार्ट कर रहे देख वीडियो बोल रहे उससे पहले तो प्रैंक कर दिया सुबह भी बस एक छोटा सा प्रैंक होते होते रह गया अम्मार के साथ मेरी गलती है और इसकी भी गलती है बिकॉज ध्यान नहीं दिया कि मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये क्या किया ना कि बस जल्दी समय कौन कर दिया है नहीं करता ना यार कसब जा बोले भी अम्मार नीचे आता हम लोग घर चले जाते कल होगा अम्मार के साथ प्रैंक इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब चलते हैं घर पूरा सुबह हो चुका है मालूम है पूरी तरह से इतना लेट से घर जा रहे हैं क्योंकि मैं और दस्तगीर खड़ा होकर इतना लंबा बात कर लिया ना कि अभी टाइम हो रहा है 5:30 लगभग हो चुका है अस्सलामुअलैकुम